तो मैं आज कुछ बाय करने वाला हूँ, तो ऑलरेडी उसे बाय कर चुका हूँ। अभी बस पिकअप करने वाला हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, तो उसके पास डिलीवर हो चुका है और अभी जाके लेके आता हूँ मैं। ब्लू ही सही है ना कलर, एक किसी का सिल्वर। एक चॉइस है यार, हाँ ब्लू ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ टू बी ऑनेस्ट कलर मैटर नहीं करता यार थोड़ी देर। वो तो है। सीधा करो ऑपरेट। 15.6 है। 15.6 14 इंच वो महंगा होता थोड़ा है ना। वो फिर थिन एंड लाइट होते, ये भी थिन एंड लाइट है, ये गेमिंग में चाहता है थिन एंड लाइट, ये 50% हो जाता है आधे घंटे से। नहीं लूंगा वो नहीं, नहीं लेना 45 दे देता है ना। अच्छा नहीं तो केड़ा कहता है यार कि घर के पैसे दे रहे ने सस्ता लो। मम्मी देखो मैं कुछ लेके आया हूँ। एक किया क्या हो सकता है बीच में, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। अरे इधर 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 लिखा है, इधर लिखा है असूस वीवो बुक। लैपटॉप हाँ लैपटॉप। लेके चलो आइए आओ खोलें इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं। मुबारक बहुत बढ़िया। थैंक यू। आ जाओ। तो दोस्तों इसको करते हैं अनबॉक्स। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है ये, असूस का i9 वाला मॉडल है। असूस जो इसका मॉडल है असूस वीवो बुक प्रो 16 इंच, 15.6 इंच की इसकी स्क्रीन है और i9 प्रोसेसर हैवी प्रोसेसर। हाँ ये 11th जनरेशन है, अभी करंटली चल रही है 13th जनरेशन, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सस्ता मिला है। अगर मैं 13 का लूँगा तो बहुत ज़्यादा लाखों में बात चली जाएगी। इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, तो ये इसका बॉक्स है, बहुत ही बढ़िया टाइप की पैकिंग कर रखी है। इसको बस हैंडल को थोड़ा अंदर करके यहाँ से ये खुल जाता है और बिल्कुल बढ़िया टाइप की इसमें कर रखी है हिसाब किताब, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसकी पैकिंग। ये सबसे पहले अपने को ऊपर मिल जाता है अपना लैपटॉप, यहाँ पे उंगली डाल के इसको निकालने के लिए जगह बनाई गई है। पहले लैपटॉप को बाहर निकाल लेते हैं, इसको साइड पर रख देता हूँ। चल लैपटॉप को हम निकाल ही देते हैं साइड पर, रखना क्यों, मेन चीज़ तो अपनी यही है। ये रहा मस्त लैपटॉप अपना, अब इसको साइड पर रख देता हूँ। ये इसमें दो कलर में आता है, ये एक तो ब्लू कलर आता है और एक सिल्वर आता है, ये ब्लू कलर वाला है। तो इस साइड पे हमको दी गई है पावर ब्रिक, जो पावर ब्रिक है वो 150 वॉट की है, 150 वॉट की पावर ब्रिक है। इसको ओपन कर लेते हैं और ये हो गई ओपन, इसको इधर रख देते हैं, पावर ब्रिक हो गई। और इस साइड अपने पास है बिजली वाली इसकी केबल, पावर कॉर्ड, ये पावर कॉर्ड होगी, इसको भी साइड पर रख देते हैं। फिर अपने पास आते हैं इसमें थोड़ी पुस्तक की बातचीत है, थोड़े स्टिकर्स आते हैं, स्टिकर्स लैपटॉप के ऊपर लगाने के लिए, कहीं इधर उधर चिपकाने के लिए। तो ये सारे इसके स्टिकर्स हैं, मस्त हैं। टच द लर्ड शाउट, इसको वापस रख देते हैं इसमें। फिर अपने पास ये सारी इसकी HDMI की मैनुअल है, ये मिलता है एक्टिवेट करने के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिवेशन कोड है ये। और ये कुछ एडवर्टीजमेंट सर्विस की, और ये छोटी सी मैनुअल। अभी चलो इतनी ज़्यादा ये वेस्ट नहीं करते पेपर, तो कम वेस्टेज करते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने ज़्यादा नहीं वेस्ट कर रखा सामान, बाकी सारा डब्बा खाली है। चलो इसको कर देते हैं हम बंद और आते हैं अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप मैंने ऑलरेडी खोल लिया था, डब्बा खोल लिया था, तो लैपटॉप मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ इसको। अब ये अगर आप सिंगल फिंगर से इसको खोलना चाहो तो धीरे धीरे खोल सकते हो,
बट दो हाथ लगा लोगे ज़्यादा बेटर है। और ये रहा मस्त अपना लैपटॉप, इसके मैं पोर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे किल स्विच तो नहीं है बट ये प्राइवेसी शटर कवर है। और अगर आप पोर्ट्स की बात करो, इस साइड दिया गया ये पावर, पावर के लिए ये है अपना गीगाबिट का इथरनेट पोर्ट, HDMI 2.1, यहाँ पे USB A टाइप, यहाँ पे टाइप सी और एक और टाइप सी, ये वाला थंडरबोल्ट 4 वाला है, ये PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर दूसरी साइड पे आके देखोगे, दूसरी साइड पे आपको मिलता है SD कार्ड रीडर, ये वाला है SD कार्ड रीडर है, और साथ में हेडफोन जैक है, और यहाँ पे USB टाइप A। नीचे कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे सारी ये वेंटिलेशन के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। डाउन फायरिंग स्पीकर हैं, ये दोनों स्पीकर्स हैं इसके। यहाँ पे रबर दी गई है, यहाँ पे भी रबर है प्रकार की। यहाँ पे दो ड्यूल फैंस हैं। और अगर आप इसकी लिड पे देखो तो लिड पे इस प्रकार की इसकी बैचिंग कर रखी है, थोड़ी सी रेज्ड है, बाकी लिड के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी इरेज्ड है। अगर इसके कीबोर्ड को देखोगे तो ऑरेंज कलर का यहाँ पे एस्केप वाला बटन है, यहाँ पे ये पावर बटन है विद फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और यहाँ पे कॉशन टाइप का कुछ पट्टी सी लगा रखी है इन्होंने एंटर बटन पे। और थोड़ा कॉम्पैक्ट है बट फुल साइज़ का कीबोर्ड है। यहाँ पे नमपैड भी आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल बढ़िया बात है। हाँ, अगर आप गेमिंग करते हो तो ये आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे इसके गेम्स, अगर आप ये वाले करते हो, बट अगर आप AWSD करते हो यूज़, तो बिल्कुल बढ़िया है, फिर आप बड़ा इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि साथ में तो अपने माउस ही यूज़ करनी है, माउस के साथ तो ये बढ़िया रहता है। कंस्ट्रक्शन इसकी बढ़िया है, बहुत ही मस्त बिल्ड किया गया है, और पोर्ट्स भी सफिशेंट हैं। और अगर इस पे कैमरे की बात की जाए, वो 1080 फुल HD कैमरा है, और फिजिकल शटर है, और बटन वाला शटर भी है, और स्क्रीन 120Hz 16:10 रेशियो इसमें मिलता है। और अगर बात करें SSD की, तो वो है 512 की आपको साथ में SSD आ जाती है। जो प्रोसेसर है वो कोर i9 11th जनरेशन 900H है, 11th जेन प्रोसेसर है, 45W की इसकी TGP है, 16GB में इसको बढ़ाया गया है, इसमें 16GB इसमें ऐड की गई है, तो वो आपको मिल जाती है। वो दोनों की दोनों डुअल चैनल में लगी हैं, तो स्पीड भी ज़्यादा मिल जाएगी, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होगी। और अगर आप बात करते हो ग्राफिक कार्ड की, ग्राफिक कार्ड इसमें दिया गया RTX 3050। तो भी बात करते हैं गेम प्ले की, पहले टेस्ट करते हैं GTA 5। लगा दिया मैंने फुल परफॉर्मेंस वाली प्रोफाइल, और सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स सब लगा दिए, हाई सेटिंग्स, हाई लगाई है, वेरी हाई नहीं लगाई है, और हाई पे आप देख सकते हो जो अपने को फ्रेम्स मिल रहे हैं वो लगभग 180-90-100 फ्रेम्स के आसपास मिल रहे हैं, और जो ग्राफिक कार्ड है वो 42-45-50W पावर ड्रॉ कर रहा है, और CPU लगभग 25 से लेकर 40W तक बीच बीच में ड्रॉ कर रहा है। और फ्रेम रेट आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे फ्रेम रेट्स हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले हो जाएगी आपकी गेम। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो कमरे में अभी मेरे टेम्परेचर है लगभग 29°C, थोड़ा सा AC, माइल्ड AC चला रखा है, और लैपटॉप के पंखे फुल स्पीड में हैं, तो उस हिसाब से तो जो FPS है वो तो बहुत ही कमाल के हैं। अभी इसको अगर हाई करके देखेंगे, हाई करके 5-10 FPS या मैक्सिमम 10-15 FPS थोड़े कम हो जाएंगे, बट ज़्यादा कम नहीं होने वाले। और अगर आपने स्मूथ गेम प्ले खेलना है तो 40-50 FPS काफ़ी होते हैं, उससे ज़्यादा इतने ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, यानी भी जो गेम प्ले बहुत स्मूथ होता है, बट जो AAA टाइटल्स हैं उसके अंदर आपको हाई FPS चाहिए होते हैं। चलो एक बारी वेरी हाई सेटिंग्स पे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी वेरी हाई वाली सेटिंग्स मैंने सब कर दिया है, जितना हाई वेरी हाई जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो उठा लिया है, और पहले लगभग 100 के ऊपर आराम से जा रहे थे, अभी लगभग 90 के आसपास है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया था 5-10 या
10-15-20 FPS ही कम होंगे अगर वेरी हाई पे करेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा FPS चाहिए, आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो हाई सेटिंग्स पे खेलते हुए आप बड़े आराम से आप अच्छे मज़े ले सकते हो GTA 5 के। देखिए 9900, जबकि पहले 120 जा रहे थे ये वाले सीन पे। तो बहुत ही बढ़िया आप गेम खेल सकते हो। GTA 5 खेलना तो एकदम आसान है। और अगर बात करें Forza Horizon 5 की, तो ये काफ़ी हैवी गेम है। GTA 5 से तो बहुत ज़्यादा हैवी गेम है। तो ये आप चेक कर सकते हो। ये GTX 3050 से 40 वॉट्स पावर ड्रॉ कर रहा है। और जिसमें सेटिंग रखी है मैंने, आप सेटिंग मैंने इसमें रखी है हाई वाली सारी सेटिंग्स रखी है, वेरी हाई नहीं की है। वी रैम इसकी कम है, 4 GB है, इसको मिनिमम 6 GB चाहिए। तो वेरी हाई सेटिंग्स पे, अल्ट्रा सेटिंग्स पे इसको नहीं रख सक, बीच बीच में। तो ये 60 वॉट तक भी पावर ड्रॉ कर रहा है। GPU नॉर्मल है, GPU 24 वॉट, ज़्यादातर ये GPU इंटेंसिव गेम है। तो इसमें रेगुलर 50-55-60 FPS आराम से मिल रहे हैं। अभी मैंने हाई कर रखी है तो 60 FPS मिल रहे हैं। अभी अगर इसमें मैं अल्ट्रा कर दूंगा या वेरी हाई कर दूंगा, तो जो FPS है वो थोड़े से ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे इस सीन के अकॉर्डिंग। पंखे तो पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे घूम रहे हैं। और रेगुलर जो GTX है 40 वॉट्स के आसपास या 40 वॉट से भी ऊपर पावर ड्रॉ कर रहा है। अभी कमरा मेरा थोड़ा सा ठंडा है, 28 डिग्री सेल्सियस है। CPU का टेम्परेचर 80 डिग्री है और GPU का टेम्परेचर 70 डिग्री के पास है। तो इस हिसाब से जो ये गेम है, गेम काफ़ी अच्छी इस लैपटॉप पे चल सकती है, अगर आप जो सेटिंग्स है थोड़ी सी लो कर दें। अगर आप इंक्रीज करने वाले हों तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो जो थर्ड गेम है हम ट्राई करने वाले हैं, साइबर पंक। काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम है, बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी वाली गेम है। ग्राफिक कार्ड के ऊपर पूरी की पूरी निचोड़ डाला है, बैंड बजा डाली, बीच में तो 18 FPS तक भी आया था। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें लगभग 30-35-40 FPS के आसपास मिल रहा है। और GPU तो 60 वॉट के इतना हाई वोल्टेज ड्रॉ करते हुए मैंने GPU को अपने इस लैपटॉप को नहीं देखा। 65 वॉट तक भी पहुंच गया और GPU का टेम्परेचर CPU के टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है। तो ये गेम तो बहुत हैवी है। इस गेम को अगर आप खेलोगे हाई सेटिंग्स पे या नॉर्मल सेटिंग्स से ऊपर खेलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको स्टटरिंग या बीच में लैग देखने को मिल सकता है। हाँ, प्लेबल है, अच्छी है, बहुत स्मूथ है गेम, स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। बट इस गेम में डेफिनेटली आपको सेटिंग्स कम रखनी पड़ सकती है। RTX आप देख रहे हो, इसमें जो ग्राफिक कार्ड है RTX 9900 तक यूज़ हो रहा है। और इसमें 41.71 आए हैं एवरेज FPS अपने को, साइबरपंक का बेंचमार्क है। अभी थोड़ी सी हम गेम खेल के देखते हैं। और ये अपना गेम प्ले चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो 50 के आसपास आ रहे हैं। और जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सेटिंग्स कौन सी यूज़ की है इसमें अपने। इसमें मैंने हाई सेटिंग्स यूज़ की है और DLSS ऑन है उसके साथ। तो अपने को 50 FPS के आसपास, बीच में अभी ड्रॉप भी कर गया, तो 40 FPS इसमें अपने को मिल रहे हैं। अब अगली सेटिंग में कर दिया हमने टेक्सचर क्वालिटी मीडियम पे, और DLSS को कर दिया हमने परफॉर्मेंस पे। तो सेटिंग्स कम करने के बाद हमको 60 से ऊपर बीच बीच में FPS मिलने शुरू हो गए हैं। 60 FPS, 60 से ऊपर रहना स्टार्ट हो गया, जबकि पहले 50 तक था। और GPU ड्रॉ तो उतना ही है, GPU ड्रॉ तो हाई है, 59 वॉट 60 वॉट के आसपास ड्रॉ कर रहा है। GPU की पूरे तरीके से यूजेज कर रहा है ये लैपटॉप इस गेम के लिए। तो इस प्रकार से इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो मिलेगी साइबरपंक में। तो बात कर लेते हैं बेंचमार्क की। बेंचमार्क में मैंने सबसे पहले किया था ट्राई
सिनेबेंच की परफॉर्मेंस बताता हूँ। जो सिंगल कोर में आई है वो 1471 की और मल्टी कोर में आई है 8914 की। अभी मैंने ऑनलाइन कई वीडियोस देखी थी, उनमें उनके पास ये लगभग 12000 के आसपास या 11000 के आसपास आ रही थी। वो शायद उसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग होगी तो इसलिए वो फ़र्क था। और अगर गीक बेंच देखें, गीक बेंच में सिंगल कोर परफॉर्मेंस है 1936 और मल्टी कोर परफॉर्मेंस है 6735। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। 3D मार्क टैक्स के स्कोर आप देख सकते हो 4773। जो ग्राफिक स्कोर्स आए हैं वो है 4537 और CPU स्कोर्स हैं 6815। और अगर बात करूँ PC मार्क 10 की, PC मार्क 10 में 6643, यानी ये ऑलराउंडर है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपका साथ दे देगा, हैवी परफॉर्मेंस दे देगा। और सिनेबेंच R15 में भी मैंने इसमें बेंचमार्किंग की थी। जो CPU का स्कोर निकल के आया वो 1239 और जो OpenGL का स्कोर है वो 162.25 फ्रेम्स पर सेकंड निकल के आ गया है। सो दोस्तों, अभी ये वाला कलर तो अवेलेबल नहीं है, तो आप सिल्वर वाले कलर के साथ जा सकते हो। बट मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, ये वाले लैपटॉप से ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप है लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3। कोर i9 ज़रूर है बट i9 से ये कम नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। क्यों? 12 जेन का प्रोसेसर है इसीलिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। और इसमें एनवीडिया का सेम जो इसमें प्रोसेसर मिल रहा है, सेम RTX 3050 है और 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है। बहुत ही अच्छी डील रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगी। इसमें भी आपको 16 GB की रैम मिल रही है। बाकी इसकी जो ओवरऑल बिल्ट है वो ये वाले लैपटॉप से ज़्यादा बढ़िया है, हैवी है। और इसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। और इसमें जो ज़्यादातर पोर्ट्स है वो बैक साइड पे दिए गए हैं जबकि इसमें साइड पे हैं। तो मैंने सारे के सारी केबलें लगा रखी हैं एक साइड पे, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से आपको ये लैपटॉप ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा वर्थ इट है, लेटेस्ट लैपटॉप है। चाहे आपको i9 से i5 पे आना पड़ेगा बट परफॉर्मेंस में ये अब ही है i9 से। इसमें बस एक चीज़ है, अगर आप कलर करेक्शन करते हो, कलर करेक्शन के लिए आपको ये सूट नहीं करेगा। कलर करेक्शन के लिए फिर आप इसी के साथ जा सकते हो। बट अगर आपका कलर करेक्शन से कोई वास्ता है ही नहीं तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है कलर करेक्शन से, क्योंकि जो बाकी चीज़ें दी गई है वो बहुत ही बढ़िया है और ज़्यादा आपको काम आएगी। मैं तो पछता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कलर करेक्शन से था भी वास्ता, नहीं भी है, मेरे को भी कई बार समझ नहीं आता। क्योंकि अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो मेरे को इससे नहीं वास्ता, अगर करता हूँ कलर करेक्शन एडिटिंग करता हूँ तो इससे वास्ता है। जबकि अगर मैंने ये पहले देखा होता तो मैं ये वाले लैपटॉप को छोड़ के ये वाला लैपटॉप लेता, इसमें मेरे पैसे भी बच जाते थोड़े से और ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग। मैं खुद हैरान था, परेशान था भाई, i5 चाहे एक जनरेशन का फर्क है, i9 से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है? आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और थोड़ा लेटेस्ट वाला लैपटॉप चाहिए, अगर कलर करेक्शन से मतलब है ज़्यादा और i9 चाहिए, लंबोर्गिनी चाहिए भागने वाली, चाहे थोड़ी सी बाकियों से कम भागे बट भागने वाली चाहिए, दिखाने आए आपने i9। मेरे को बड़ा मजा आया था भाई, मेरे फ्रेंड ने बोला था किसी के पास नहीं है, किसी के पास i9 नहीं, हमने किसी फ्रेंड के पास नहीं देखा, ले लो। तो मैं भी हवा में आ गया तो ले लिया। बट लैपटॉप अच्छा है नो डाउट, बट ये लैपटॉप ज़्यादा बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है, कंपैरिजन मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। तो इस वीडियो में आपको मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई और इसके बारे में और भी वीडियोस डालूंगा ताकि आपको उसके बारे में और पता चले। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।